फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 12 बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग के एमसीक्यूज। तो चलिए बिना देर के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर की बैंकिंग लेक्चर की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको ये एमसीक्यूज का लेक्चर समझने में ईजी होगा। चलिए पढ़ते हैं पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक का मेजर फंक्शन क्या होता है? इश्यू ऑफ क्रेडिट, कीपिंग वैल्यूएबल्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स फॉर द एजुकेशन। तो हर बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कि वो पब्लिक की डिपॉजिट्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस वर्क। जो इंश्योरेंस होता है उसमें इनमें से नीचे लिखे गए ऑप्शंस में से क्या इंक्लूड नहीं होता? डिविजन ऑफ रिस्क, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, टू गिव लोन, नन ऑफ दिस। जो इंश्योरेंस वर्क होता है वो उसमें हमारा रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, वो हमें कैपिटल फॉर्म करने में भी मदद करता है, तो नन ऑफ दीज तो इसका आंसर है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, टू गिव लोन इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस वर्क में लोन का कुछ भी केस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है। विच इज द बिगेस्ट रिटेल बैंक। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रिटेल बैंक कौन सा है? SBI है, HDFC है, पोस्ट ऑफिस है या ICICI है? आपका करेक्ट आंसर क्या है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल बैंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के एक ऐसा बैंक भी होता है हमारा, जो हमारे को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें मदद करता है, क्योंकि अगर हम बाहर की फॉरेन कंट्री से कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फॉरेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो फॉरेन कैपिटल अवेलेबल कराना इन बैंक्स का काम होता है। तो ऑप्शन क्या है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेशल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक नॉर्मल बैंक, सेंट्रल बैंक हमारा RBI, कोऑपरेटिव बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या है, एक स्पेशल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच बैंक डू नॉट वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम नहीं करता? लॉर्ड कृष्णा बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, कैनरा बैंक। तो आपका करेक्ट आंसर है कैनरा बैंक। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देता है वो किस अकाउंट पे देता है? क्या वो करंट डिपॉजिट अकाउंट पे देता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे देता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पे देता है या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे देता है? तो आपका करेक्ट आंसर है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जो एक बिजनेसमैन एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है किस पर्पज से, कि उसको एक दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, तो वो अकाउंट क्या कहलाता है, आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ या जैसे भी क्वार्टरली आप उसमें हर फिक्स्ड अमाउंट को सेव करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक का अकाउंट होता है उसको हम सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जब एक फिक्स्ड अमाउंट को कुछ टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिया जाता है बैंक के पास, जिसपे आपको क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो किस केस में होती है, करंट डिपॉजिट में। ओवरड्राफ्ट से आप क्या समझते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है बट आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके बिहाफ पे उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा और बाद में आपसे उसके चार्जेस ले लेगा। तो ये जो फैसिलिटी होती है वो बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं जो कि करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रोज का आना जाना होता है, रोज की ट्रांजेक्शन होती है बैंक के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पढ़ते हैं। इंडसलैंड बैंक कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ बैंक। इंडसलैंड बैंक जो है, आपने अगर आप जाते हो मार्केट्स वगैरह में तो आपने देखा होगा इंडसलैंड बैंक करके भी है, न्यूज एड्स वगैरह भी आती हैं इसकी, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ई बैंकिंग। नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से कौन सा है जो ई बैंकिंग के अंडर नहीं आता? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डेबिट कार्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो ई बैंकिंग के अंडर नहीं आता वो होता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है। विच बैंक इज नोन एज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा बैंक है नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से जो अपेक्स बैंक है, अपेक्स मतलब जो एक मेन बैंक है एक कंट्री का। तो हमारे इंडिया का कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया? तो आपका करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का एपेक्स बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंजाब नेशनल लिमिटेड कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ बैंक। पंजाब नेशनल लिमिटेड जो बैंक है वो किस कैटेगरी के अंडर आता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेटिव बैंक या नन ऑफ दीज? तो पंजाब नेशनल लिमिटेड बैंक जो है वो आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस सर्विसेज, नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से कौन सी बिजनेस सर्विस नहीं है, बैंकिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कस्टमर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू बाय, या कस्टमर का पार्टिसिपेशन जरूरी है किस चीज में, जब वो सर्विस को बाय कर रहा है, जब वो रोड्स को बाय कर रहा है, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है या आप गुड्स परचेज करते हो तो उसके लिए आपका कस्टमर का फिजिकल पार्टिसिपेशन, फिजिकली प्रेजेंट होना इज कंपल्सरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है डैश इज द इक्वल टू बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के इक्वल होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो जब आप कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हो आपके बैंक अकाउंट में उसके बिहाफ पे आपको जो उसके बिहाफ पे जो आपको कार्ड इशू किया जाता है उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो आप उस कार्ड को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आप लोग पहले आप लोग सामान खरीद सकते हैं लेकिन जो आपको पेमेंट करनी होती है वो बाद में करनी होती है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कुछ लोग की फैमिली में क्रेडिट कार्ड यूज होता हो, तो उसके लिए क्या होता है आपको बैंक जो क्रेडिट कार्ड देता है उसको लेके आप कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हो अप टू एन एक्सटेंडेड लिमिट और द लिमिट प्रोवाइडेड बाय यू, जितनी भी लिमिट बैंक आपको देता है उसके अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है आपके अकाउंट में चाहे बैलेंस हो चाहे ना हो लेकिन आप इस फैसिलिटी को, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को यूज करके क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। वो पेमेंट कौन करेगा, आपके बिहाफ पे बैंक करेगा। सेम ओवरड्राफ्ट में हमने पढ़ा था कि अगर बिजनेसमैन कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है और उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में पैसा, बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसा डाल देगा ताकि उसका चेक बाउंस ना हो और वो पेमेंट हो जाए, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसके जैसी होती है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी के जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डैश कार्ड इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसा कौन सा कार्ड है जब पैसा जब हम बैंक में जमा कराते हैं तो उसके बिहाफ पे बैंक हमें वो कार्ड इशू करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेबिट कार्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक बैलेंस ऑन टेलीफोन एंड सम लेटेस्ट ट्रांजेक्शंस कॉल्ड, जब हमें कुछ अपने बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और हम कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन पता करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेली मार्केटिंग, टेलीविजन, टेली बैंकिंग और नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेली बैंकिंग, क्योंकि अब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है और बैंकिंग भी हमारी बहुत इंप्रूव हो गई है तो बैंक ने फैसिलिटी चला दी है कि आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपने बैंक से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं या आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आप लोग जान सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर बैंकिंग के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 13 एंड 14 के एमसीक्यू करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।